तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हर बच्चे को जो है बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आना चाहिए करने। कहता है कि ए कार इज मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल रोड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। अगर चलो मान लेते हैं एक कार है जो कि हॉरिजेंटल रोड पे मूव कर रही है जिसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, ठीक है। देयर इज ए कार मूविंग ऑन द हॉरिजेंटल रोड विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो इस कार पे लगने वाले जो सभी फोर्सेज हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, यहाँ पे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इस वर्क इस कार पे भाई इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है सूडो एम जी, चलो टायरों के बीच इधर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो वर्क डन बाई द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई द सूडो एम जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाफ फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर तुम कंपेयर करोगे, तो चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पॉइंट ए पर कंपेयर करता हूँ, फिर ये पॉइंट बी पर यहाँ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर स्पीड बी है तो यहाँ पर भी स्पीड बी होगा, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल आए तो चेंज इन जीरो। मतलब वर्क डन बाई ऑल द फोर्स, इस पर हज़ारों फोर्स लगे करोड़ों फोर्स लगे सभी का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होते, तो नेट वर्क डन ऑन द कार इज जीरो। मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो ये गलत है, बी ऑप्शन सही। नेट वर्क डन मे बी जीरो नहीं मस्ट बी जीरो, बोथ ए एंड बी से, ये भी गलत है, दैट इज बी ऑप्शन सही है। थैंक यू बाबा, टेक केयर।